हेलो गाइस, मैं तरुण टाले और ये है एक्सिस 7W के न्यू इमेजेस जो अभी लीक हुए। तो पहले मैंने इस गाड़ी का भाई थोड़ा सा मजाक उड़ाया था, बिकॉज इसके जो कुछ फोटोज थे इतने गंदे लग रहे थे, लेकिन वो जो पिक्चर्स थी वो एडिट करके किसने डाली थी पता नहीं, और हम उसे सच मान बैठे कि वही उसका जो शेप है और वही मॉडल लॉन्च होने वाला है ऐसा हम मान बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जो मॉडल आप देख रहे स्क्रीन पर वही लॉन्च होने वाला है। उसके अंदर आपको बड़े से टायर मिलते हैं 18 इंच वाले, और जो फोटो में दिखे थे वो लगभग भाई 16-17 इंच के। भाई किसने एडिट किया था पता नहीं, भाई बहुत अच्छी एडिटिंग थी भाई, मुझे तो यही लगता है, बिकॉज जिस बंदे ने किए होंगे भाई उसका क्या टैलेंट होगा। लेकिन चलो गाइस, कोई नहीं, छोटी मोटी गलती तो हर कोई से होती है, और बाकी के यूट्यूबर ने भी की होगी जो मेरे से बड़े हैं। तो ये जो कार है ये 15 अगस्त को लॉन्च होने वाली है ऑफिशियली। आप इसे शोरूम पर जाकर देख भी सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। और भाई महिंद्रा का कहना है जो इस कार में फीचर है वो इस सेगमेंट में किसी और गाड़ी में फीचर है ही नहीं, जैसे कि हाल ही में लॉन्च हुई हुंडई एल्कज़ार और टाटा सफारी और इनोवा में भी इतने अच्छे फीचर नहीं जो इस कार में आपको मिलते हैं, ऐसा भाई महिंद्रा कह रही है। देखते हैं गाइस, इस कार में आपको आगे की ग्रिल थोड़ी बड़ी मिलती है, और इसके जो हेडलाइट्स है वो भी आपको थोड़े से स्लिक डिज़ाइन में मिलते हैं, थोड़े से शानदार जो पहले नहीं थे। और इस कार में आपको एक ऐसा फीचर मिलता है, जैसे आप कार की स्पीड 80 के ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिक इसके जो हेडलाइट्स है वो बड़े हो जाते हैं, मीन्स इनका जो थ्रो है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे रोड पर विजिबिलिटी अच्छी होती है रात के वक्त। तो भाई मैंने पहले भी कहा था इस कार को भाई पूरे इंडिया में टेस्ट कर ही लॉन्च किया जाने वाला है। वैसे तो भाई 15 अगस्त को होने वाली है ऑफिशियली लॉन्च, तब जाकर भाई हम ज़रूर देखेंगे। और ये जो आप लुक देख रहे हैं भाई, देखो कितनी सही लग रही है सच में, और ये जो कलर देख रहे हैं रेड सूट भी कर रहे हैं, और इसके अंदर देखो भाई 18 इंचेस के आपको एलॉयज भी मिल जाते हैं जो सही है, और ऐसे कुछ ज़्यादा ही छोटे नहीं लग रहे। पहले के इमेज में जो विंडोज़ थी इस कार की वो थोड़ी XUV500 जैसी थोड़ी बड़ी लग रही थी, जो कार के लुक को कुछ सूट नहीं कर रही थी, जो अब है वो थोड़े अच्छे लग रही है। और इसके ये हेडलाइट्स होगी बड़ी बड़ी सी आपको मिल जाती है भाई, इनका जो शेप है मुझे अच्छा लगा। तो भाई बस ये छोटा सा अपना बेसिक सा वीडियो था, बेसिक से भी बेसिक, बिकॉज पहले के वीडियो में मैंने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके लिए सॉरी। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ना करना आपकी मर्ज़ी, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वैसा कोई नहीं। तो इस कार का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है वो भी देख लेना। तो भाई यही था वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।